हेलो दोस्तों, द एक्सनर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सतीश मरावी। जैसा कि थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात, एमएस डॉस का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरी बात, डॉस एक टेक्स्ट बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीसरी, डॉस हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क की रिक्वायरमेंट को मैनेज करने का काम करता था। ये ओल्ड कंप्यूटर में था। एमएस डॉस कंप्यूटर की सभी प्रोसेसिंग या माइक्रो प्रोसेसर की प्रोसेसिंग को कंट्रोल करके रखता है, और साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर या यूज़र के बीच कार्य करता है। ये सभी बातें आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट को हम किस तरह ओपन कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है स्टार्ट मेन्यू पे जाके ऑल प्रोग्राम पे एक्सेसरीज और कमांड प्रॉम्प्ट। जब कमांड प्रॉम्प्ट खुलता है तो पूरा ब्लैक एंड वाइट होता है, क्योंकि यह टेक्स्ट बेस ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो सबसे पहले ऊपर देखते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में कमांड प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ वर्जन जो मेरे कंप्यूटर में डला हुआ है वो दिखा रहा है। अब बात करते हैं ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये सी कॉलन फॉरवर्ड स्लैश यूज़र फॉरवर्ड स्लैश स्मार्ट आर्ट और लेस देन। तो सी यहाँ ड्राइव है, हार्ड डिस्क का पार्ट सी है। यूज़र CMD की भाषा में कहें तो ये डायरेक्टरी है और ये सब डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी को हम नॉर्मल लैंग्वेज में फोल्डर कहते हैं और फाइल को फाइल कहते हैं। दूसरा तरीका जो है, विंडोज़ की प्लस R प्रेस करने पर रन प्रॉम्प्ट खुलता है। CMD का मतलब ही होता है कमांड। CMD का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, CMD का फुल फॉर्म क्या है। CMD का फुल फॉर्म है कमांड। जैसे ही आप एंटर मारते हैं उसी पेज पे खुल चले जाते हैं, पर यहाँ आप देखते हैं कि टाइटल चेंज हो चुका है पूरी तरह से। ये शॉर्टकट था, जिस तरह हम सामने जो रखे हुए हैं ये फाइल देख रहे होंगे, ये शॉर्टकट्स रखे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार ये भी एक शॉर्टकट था। अंत में जाते जाते आपके लिए एक सवाल, जिसका आप दीजिए कमेंट पे जवाब। सवाल ये है